Viewers, assalamu alaikum. My name is Hamza Zulqarnain. I am here to teach you biology topic, which is the very most important according to the indicate level, regarding the indicate level. So we are now explaining the topic. Our topic is mitochondria, which is the most important organelle of the cell and involved in ATP production. तो आज का हमारे पास ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि माइटोकांड्रिया जो है हमारे पास क्या है. तो चलिए हम माइटोकांड्रिया को डिस्कस करते हैं. माइटोकांड्रिया, अगर हम माइटोकांड्रिया के लफ्ज को देखें तो माइटोकांड्रिया हमारे पास टू वर्ड्स कम्बिनेशन से बना हुआ है. यानी कि जो माइटोकांड्रिया का लफ्ज है वो दो वर्ड्स का मजमुआ है. तो अगर हम इनकी वर्ड स्टडी करें तो वर्ड स्टडी से यही जाहिर होता है कि माइटोकांड्रिया इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड एंड दिस टू वर्ड द फर्स्ट वर्ड इज माइटोस. इसमें जो पहला लफ्ज है वो हमारे पास है माइटोस. माइटोस का मानी है, यानी लफ्ज मीनिंग है थ्रेड. थ्रेड कहते हैं धागे को, थिन जो हमारे पास फाइबर्स होती हैं इसको हम थ्रेड इसको हम माइटोस कहते हैं. और जो कांड्रिया का जो सेकंड लफ्ज है वर्ड है माइटोकांड्रिया. कांड्रिया की मानी है हमारे पास ग्रेन्यूल्स, यानी कि ये हमारे पास स्मॉल ओवल शेप ग्रेन्यूल है, मगर किस फॉर्म में है, थ्रेड फॉर्म में है. तो ये तो हमारे पास वर्ड स्टडी हो गई. इससे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि माइटोकांड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और उनको किस चीज में देखा था, तो आइए हम डिस्कवरी की तरफ जाते हैं. डिस्कवरी, माइटोकांड्रिया जो है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकांड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर. तो माइटोकांड्रिया का सबसे पहले यानी कि कॉन्सेप्ट जो था वो कॉलिकर ने दिया था. कॉलिकर ने सबसे पहले इन्हें नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टेप ग्रेन्यूल्स है, यानी कि एक ओवल शेप में ग्रेन्यूल्स है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. तो उन्होंने सबसे पहले इस स्टेप ग्रेन्यूल्स को मसल सेल में डिस्कवर किया था. अब हमारे पास मसल सेल में जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने इसको स्पेशियल नाम दिया कि जब मसल सेल में हमारे पास माइटोकांड्रिया हो तो इसके लिए अपना स्पेशियल नाम जरूर होगा. तो उस स्पेशियल नेम को हम कहते हैं सारकोकांड्रिया. यानी कि मसल सेल में जो हमारे पास माइटोकांड्रिया होती है इसको हम जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास सारकोकांड्रिया है. तो ये तो हमारे पास डिस्कवरी थी, लेकिन फर्स्ट डिस्कवरी थी. अब जो सेकंड डिस्कवरी की तरफ अगर हम जाए तो सेकंड डिस्कवरी में हमारे पास ये माइटोकांड्रिया का सबसे पहले लफ्ज यानी कि डिस्कवर नहीं हुआ था. इनको सबसे पहले जो नाम दिया गया माइटोकांड्रिया, इसको एक स्पेशल साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम है कार्ल बेंडा. इन्होंने माइटोकांड्रिया का लफ्ज वजूद में लाया, उनको डिस्कवर किया और उन्होंने ये नाम माइटोकांड्रिया दिया उनको, यानी कि स्टेप ग्रेन्यूल्स को उन्होंने नाम दिया माइटोकांड्रिया. स्टेप ग्रेन्यूल्स को उन्होंने ये नाम दिया माइटोकांड्रिया कार्ल बेंडा ने. तो इससे यही जाहिर होता है, कि हमारे पास जो माइटोकांड्रिया है इसका जो क्रेडिट है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि माइटोकांड्रिया को किसने डिस्कवर किया था तो हम आंसर ये देंगे कि उन्होंने कि माइटोकांड्रिया को कार्ल बेंडा ने डिस्कवर किया था. हमारा ये आंसर नहीं होगा कि उन्होंने कि कॉलिकर ने डिस्कवर किया, मगर जो मेन क्रेडिट है, जो मेन थ्योरी ऑफ बैकग्राउंड है वो तो कार्ल बेंडा की तरफ जाता है. यानी कि जो क्रेडिट है माइटोकांड्रिया का वो कार्ल बेंडा की तरफ जाता है, जो कि बायोलॉजिस्ट था. अगर हम ये तो चलो हो गई हमारे पास डिस्कवरी, अगर हम डिफिनेशन की तरफ जाए माइटोकांड्रिया की, माइटोकांड्रिया हाउ वी विल डिफाइन माइटोकांड्रिया इन अ बेटर वे. तो माइटोकांड्रिया हमारे पास क्या है, माइटोकांड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेल है. यहाँ पर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है सीमी ऑटोसोमल. सीमी ऑटोसोमल का मतलब है कि सीमी सेल्फ रिप्लिकेटिंग, यानी कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनेल है ये क्या कहता है, रिक्वायरमेंट को खुद पूरा कर सकता है. और दूसरा लफ्ज मैंने सेल्फ रिप्लिकेटिंग का इस्तेमाल किया, यही इन दोनों का मतलब सेम है, सेल्फ
सीमियाटोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और इसके अलावा ये हमारे पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इससे पहले हमने कई ऑर्गेनेल को स्टडी किया है कि इनके अपने मेम्ब्रेन होते हैं। बाज ऑर्गेनेल में हमारे पास मेम्ब्रेन डबल होते हैं और बाज में सिंगल होते हैं, और बाज में होती भी है जैसे हमारे पास है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होता। अच्छा, तो माइटोकांड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि इसका जो मेम्ब्रेन है ये डबल है। अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है मगर किस चीज में फाउंड होता है? यूकेरियोटिक सेल में फाउंड है। यूकेरियोटिक सेल, ये माइटोकांड्रिया ऑर्गेनेल हमारे पास यूकेरियोटिक सेल में फाउंड है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी सेल की जो स्ट्रक्चर है, इनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए वजह से माइटोकांड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। तो माइटोकांड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल जो कि काम करती है, जो कि परफॉर्म करती है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी से हमारा मुराद होगा एनर्जी प्रोडक्शन। एटीपी से हमारा मुराद है एनर्जी प्रोडक्शन। ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि मेनली इन्वॉल्व है एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन। सेल को एनर्जी देती है कि आप ये कंटेंट्स को यहाँ से यहाँ तक लाएं मगर किस चीज़ है, एनर्जी के जरिए। तो एनर्जी प्रोवाइड करना ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? माइटोकांड्रिया की जिम्मेदारी हो गई। तो आज हम डायरेक्टली लिटिल बिट हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर किया है इसका, माइटोकांड्रिया का जो स्ट्रक्चर है हम ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास बहुत ही अहम है कि हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और कैसा है और क्यों है। तो माइटोकांड्रिया का हमारे पास यही स्ट्रक्चर है, हम इसको डायग्राम भी कह सकते हैं। तो माइटोकांड्रिया में हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन है यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये हमारे पास ये हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया। और इसके बाद हम इनर मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। हम इसको स्पेशल नाम देते हैं क्रिस्टी। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है हम इसको, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो हमारे पास क्या है ये स्मूथ है। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या है? ये रफ है। और ये मेम्ब्रेन हमारे पास इररेगुलर स्ट्रक्चर में अरेंज है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। हम इसको शॉर्ट में कहते हैं कि फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड है। जैसे आपको स्ट्रक्चर से यही याद होता है कि जो zigzag लाइक स्ट्रक्चर, zigzag लाइक ब्लू पेन कलर लाइंस जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? इनर मेम्ब्रेन है जो भी किया है एक रफनेस शो करता है, और दूसरा हमारे पास इररेगुलर यानी कि फोल्डेड स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये हमारे पास फोल्डेड है, जिस तरह की ये लाइन इस तरह फोल्डेड बना देता है एक स्ट्रक्चर को। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन हमारे पास है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को ये प्रोटॉन ग्रेडियंट में इन्वॉल्व है, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इज कंट्रोल्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर मेम्ब्रेन का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कौन कंट्रोल करता है? वो इनर मेम्ब्रेन। मैंने तो ये इनर मेम्ब्रेन डिस्कस किया। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका सेम नेचर है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है? ये परमीएबल होता है। क्या होता है? परमीएबल। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ये पोरस भी होता है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं ये पोरस होता है हमारे पास। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन भी हमारे पास सेमीपरमीएबल होता है, सेमीपरमीएबल। यहाँ पर माइटोकांड्रिया के मेम्ब्रेन से हमें ये वादे होता है कि जब हमने इनको स्टडी कर दिया यानी आउटर प्लस इनर मेम्ब्रेन, तो इसे ये वादे होता है कि इसका जो नेचर है यानी कि माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेनल नेचर इज सेम इज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो माइटोकांड्रिया की सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक जैसा है। तो
ये तो हमने इनर मेम्ब्रेन को किया, आउटर मेम्ब्रेन को स्टडी किया, अब हम अंदर मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो माइटोकांड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो किस चीज से बना होता है। माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास, इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन भी होते हैं और ऑर्गेनिक पोर्शन भी होते हैं, यानी कि माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स इसमें हमारे पास होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन, और इसके अलावा हमारे पास इसमें एंजाइम्स भी होते हैं जिसको हम को एंजाइम्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया को एंजाइम, व्हाट इज को एंजाइम, हमारे पास को एंजाइम जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी जब हम पार्ट को अटैच करें, एक ऐसा पार्ट जो हम एंजाइम के साथ अटैच करें और इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ बेटर फंक्शन ऑफ एंजाइम, तो इसको हम कहते हैं को एंजाइम, यानी कि अगर हम कोई ऐसा पार्ट एंजाइम के साथ अटैच करें कि वो एंजाइम की फंक्शन को बरकरार कर सके, उनको परफॉर्म करते हैं बेटर वे, तो हम इसको कहते हैं को एंजाइम। अब जब इनमें को एंजाइम हमारे पास होते हैं वो होते हैं एनएडी एंड एफएडी, ये दो को एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास इस चीज में, को एंजाइम इज प्रेजेंट एंड मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये चीज, हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैट्रिक्स हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड पोर्शन है, क्या है, फ्लूइड फिल्ड पोर्शन है मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास बना होता है एक फ्लूइड फिल्ड पोर्शन। अब इनमें फ्लूइड क्यों पाया जाता है, सॉलिड क्यों नहीं पाया जाता, यहाँ पर क्वेश्चन इराइज होता है कि सॉलिड क्यों नहीं पाया जाता, फ्लूइड क्यों पाया जाता है और गैस क्यों नहीं पाया जाता। इसमें फ्लूइड इसलिए पाया जाता है कि इसमें जो कंटेंट्स होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो कंटेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स माइटोकांड्रिया के लिए जरूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इनमें फ्लूइड का होना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि इनमें हमारे पास मूवमेंट आसान हो जाती है, जब मूवमेंट आसान हो तो हम इसलिए हम फ्लूइड फिल्ड पोर्शन लेते हैं, यानी कि लेते नहीं बल्कि इसमें फ्लूइड फिल्ड पोर्शन मौजूद होता है। अब मैंने बात की इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी कहते हैं, तो इसके अलावा जो इसमें हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, ये हमारे पास राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है 70S, यानी कि इससे ये मतलब वादे होता है कि जो माइटोकांड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, तो यानी कि 70S राइबोसोम होते हैं। जैसे कि राइबोसोम का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये 50 प्लस 30 से बना होता है, 50 जो है लार्जर यूनिट है और 30 जो है हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, जब ये कंबाइन होती है तो ETS होता है, मगर ETS क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमारे पास जो फ्यूजमेंट होती है इनमें कुछ पार्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास 70 आ जाता है। हमने पहले इसको डिस्कस भी किया होगा, यानी कि इस पहले ऑर्गेनेल बिफोर ऑर्गेनेल इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये माइटोकांड्रिया का हमारे पास स्ट्रक्चर था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन, यानी कि इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की है, ऑर्गेनिक में हमारे पास H2O आता है, सही है, H2O है इनऑर्गेनिक पोर्शन, इनऑर्गेनिक है इन नेचर है, यानी कि जो ऑर्गेनिक है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ऑर्गेनिक पोर्शन में डिफरेंट जो मिश्रा डिफरेंट जब रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो कंपाउंड होती है वो हमारे पास ऑर्गेनिक होती है बार बार। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स में हमारे पास क्रेब्स साइकिल होता है, क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, ये भी अहम पॉइंट है। और दूसरा अहम पॉइंट ये है इसमें EGC होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया इज इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया में होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन्वॉल्व फॉर रिपेयरिंग एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज का ये लेक्चर हमारे ये बहुत अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है कि माइटोकांड्रिया कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, माइटोकांड्रिया जो है लीवर सेल में हमारे पास ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है 2000 सेल्स जो है माइटोकांड्रिया में प्रेजेंट, यानी 2000 माइटोकांड्रिया प्रेजेंट इन लीवर सेल।
तो ये हमारे पास 2000 माइटोकांड्रिया लीवर सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे, हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल, हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि पावर हाउस क्या होता है। जस्ट कंसिडर सेल इज अ हाउस। आप इस तरह कंसिडर कर ले कि सेल हमारे पास है हाउस, एक हाउस है, एक घर है, और जब घर में हमारे पास पावर नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो क्या घर चलेगा? घर में रिक्वायरमेंट्स पूरा होगी? नहीं होगी। इसी तरह सेल भी एक हाउस है। जब सेल में बिजली, यानी कि हमारे पास सेल में माइटोकांड्रिया ना हो, यहाँ पर हम, हमारा जो पावर है वो किससे रिलेटेड है? जो पावर है वो रिलेटेड है हमारे पास माइटोकांड्रिया से। तो माइटोकांड्रिया जो है ये एक पावर प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। और आप जानते हैं कि एनर्जी को हम पावर कहते हैं ना, तो एटीपी हमारे पास एक पावर है, लेकिन हाउस जो है ये एक सेल है। जस्ट कंसिडर हाउस इज अ सेल। आप इस तरह इसको कंसिडर करें कि सेल हमारे पास हाउस है। अब जो सेल, यानी कि सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो एनर्जी हमारे पास माइटोकांड्रिया प्रोवाइड करता है।